देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। 190 रन पर ढेर हुई भारत टीम। वेस्ट इंडीज ए और इंडिया ए के खिलाफ दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट बेहद ही रोमांचक मोड पर पहुंच गया है। अभी टेस्ट का दूसरा ही दिन हुआ है और मेजबान की दूसरी पारी में 12 रन पर 4 विकेटें गंवा चुकी है। कश्मीर पहुंचकर लेफ्टिनेंट कर्नल धोनी ने संभाली कमान। धोनी जब दक्षिणी कश्मीर में तैनात अपनी रेजिमेंट के साथ जुड़ गई है तो सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही है। वे कश्मीर में 15 अगस्त तक अपनी 106 टीए बटालियन के साथ समय बिताएंगे। वेस्ट इंडीज के कोच बोले, मजबूत है हमारी टीम, भारत को देंगे कड़ी टक्कर। वेस्ट इंडीज के कोच फ्लाइड रिफर को यकीन है कि कायरन पोलार्ड और सुनील नारायण की वापसी से भारत के खिलाफ टी20 मैच की सीरीज काफी रोमांचक होंगी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।